मेरा ना फैटी लीवर हो गया था स्वामी जी, मैं भी टीचर हूँ, तो मैं एक स्टेप नहीं रख पाती थी, मतलब मुझे यहाँ पे बीच में इतना पेन होता, मैं मेडिकल लेके घर पे बैठ गई और मैंने इतनी जांचें कराई, अल्ट्रासाउंड किया और वो सीरम निकालते हैं, ब्लड निकाला, महंगी महंगी जांचें कराई और उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं था। फिर सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे और जब इंजेक्शन लगे तो मेरी बेटी बोलती थी, मम्मा मजा आया। वो पेन स्वामी जी मैंने जैसे सहा, 5 दिन बाद जब मम्मी जी ने मुझसे बोला कुछ नहीं लिया, मुझे आज 3 साल से कोई फैटी लीवर नहीं है, मैं सब खाती हूँ, सब कुछ बाहर का भी खा लेती हूँ, मुझे कोई पेन तक नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको लेके आई थी दूसरी भी तो फैटी लीवर वाले और लेके आई थी? नहीं, एक मेरा भाई आया था पिछले साल, उसको भी सेम था, वो तो एडमिट हो गया था। ये तो खुद ही जो भी बीमार होता सबको लिया अमृत बोलती हूं। मैं बेसिक के कई टीचर्स भेज चुकी हूँ इधर, बेसिक में जो भी टीचर्स होते हैं उनको बोलती हूँ कोई भी दिक्कत है आप पतंजलि जाओ, डिटॉक्स कराने, नॉर्मली डिटॉक्स कराने चले जाओ आप। तेरे को कितना शुगर था? यानी टाइम 450 प्लस रहता था। 450, क्योंकि माँ को शुगर जो अभी बता के गई थी, तेरे कितना था? माँ नाम क्या? शांति देवी, झारखंड से शांति देवी। शांति देवी को अशांति देवी हो गई शुगर से अशांति। अब कितना इंसुलिन था? इंसुलिन था दिन में 24 और रात को 14। 24 और 14 38 टोटल। हाँ। 38 था, अब वो बंद हो गया और शुगर अब कितनी आ रही है? अब शुगर अभी नहीं है, नीचे आ गया 200 से नीचे। और तेरा? मेरा तो 140 हो गया। लो 140। और दवा? एलोपैथी के ग्लाइसीफेज लेते थे, वो बंद? हाँ वो बंद हो गई है यहाँ आने के बाद। एलोपैथी की दवा बंद, माँ बेटे दोनों ठीक, जेनेटिक शुगर भी अच्छी होती है। मेरी माँ बहुत दिन से योगा कर रही है टीवी पर देख करके, ये पिछले 5 साल से जो है ना हमेशा कहती थी कि हमारा ले चल बाबा रामदेव के पास, हम वहीं ठीक हो, लेकिन हम जो है लेके नहीं आते थे। लास्टली गर्मी छुट्टी अभी चल रही है, गर्मी छुट्टी चल रही है, चूंकि मैं टीचर हूँ तो गर्मी छुट्टी में ही हम लोग को छुट्टी मिलती है, तो इस बार मैं लेकर के आया और माँ बेटे दोनों हम लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जिनके भी अगर कुछ भी बीमारी है तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में जरूर आए और यहाँ लाभ उठाए। चलो खुश हो।